दिल ना खेल है दिलदार का, भूल से नाम ना लो प्यार का, प्यार भी झूठा कहते है मुझको घर वालो, आया है तो मेरे प्यार का। तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आजकल जिस टीम की अपडेट नहीं होती उस टीम के फैंस गुस्सा हो जाते हैं। अब तुम्हें भी गुस्सा आए और किसी को ठोकने का मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन को ठोक दिया करो। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और जरा ध्यान से, स्क्रीन टूटी तो एल्फी के पैसे मैं नहीं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है तनेजा की तरफ से। तो उन्होंने पहाड़ी के बारे में और शायद अपनी सैलरी के बारे में बात की है, तो आओ देखते हैं। पहाड़ी क्यों नहीं है बूट कैंप पर? अरे वो रूम बनवा रहा है, थोड़ा घर पे उसके काम चल रहा है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है गाइस, तो चिंता मत करो, रूम बनवा रहा है वो, बढ़िया तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा, तो सरप्राइज का वेट करो। बाकी वो खुद ही बता देगा। सोचा तो है इसी मंथ से लाइव स्टार्ट कर दूँ यूट्यूब पे, अगर रेगुलर रहता हूँ तो। अभी एक चीज़ तय नहीं है ना यार, कभी घर भी मतलब अभी फिक्स नहीं है कुछ, ये समझो। जब कुछ फिक्स हो जाएगा, जब बातें कुछ क्लियर हो जाएंगी तो मैं स्टार्ट कर दूँगा, वरना अभी सेटअप वेटअप करवाना पड़ेगा पहले मेरे को। इतना क्या, ज्यादा भी नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलता अभी। गेम नहीं है इसलिए कुछ कहता नहीं हूँ, जो मिल रहा है ठीक है, वरना जितना मिलना चाहिए उतना तो अभी नहीं मिल रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है गेस द फोटो। कल की फोटो थी वाइपर की, अब आज बताओ किस डुओ की फोटो है। ऑप्शन चाहिए तो कम्युनिटी टैब पे मिल जाएंगे। चलो फिर अब जल्दी से कमेंट कर दो और साथ के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अगली अपडेट है UDG ESPL Buya बैच से। तो डे 2 की पॉइंट्स टेबल अभी तक आई नहीं है, एडिटिंग खत्म होने तक आ गई तो दिख जाएगी तुम्हें। कल स्ट्रीम पे आने वाले लोग हैं AIFU, नीतू, बोर्ड गैंग, SD गेमिंग, फार्मर लाइव, आयशा, जोबन, लास्ट लीजेंड, मुकेश एंड फैन ऑफ नंबर 1 टीम। बिग शाउट आउट टू गाइस, 5 लोगों को शाउट आउट देने को बोला था, अब 10 को मिल गया, अब खुश रहना। नेक्स्ट अपडेट है शाइनिंग स्टार से। तो डे 1 के बाद टॉप पर है 0 डिग्री, सेकंड पे है ब्लाइंड एंड थर्ड पोजिशन पे है OG। बढ़ते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल के क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता ही था, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशंस बन रही हैं, लगता है इतने डिफिकल्ट टारगेट्स में एक पूरा हो ही जाएगा और जबरदस्ती फेस रिवील करना पड़ेगा। चीटिंग करता है तू। आज बताना है इंडिया लास्ट T20 वर्ल्ड कप कब जीता था। गाइस, मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स तो नहीं है क्योंकि तुम भेजते ही नहीं हो, लेकिन वीडियो के बाद जाके जोंटी एक्स्ट्रास की न्यू वीडियो ध्यान से देख लेना और मेरी तरफ से एक लाइक करके आना। अब सीधा भरते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है टॉप प्ले ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्ले किलर का, तो आओ देखते हैं शेर शिकार पे जब निकलता है तो क्या करता है। चलो भाई जोन जा रहा हूँ, मैं आगे इधर बहुत सारी बॉल लगी है। ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में जाता है वो, आ रहा है बंदा, एक देख आ रहा है, हेलमेट पड़ी उठाओ इधर से। उड़ी उड़ी उजी पड़ी है, उजी एमओ पड़ी है, उजी उठा ले।
पूरा लेके ये हो गया कुछ लोग बोल रहे थे क्लर तू क्लच करेगा क्या मैं तो कौन बे मैं तो कौन बे बोल 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 अगला टॉप प्ले फौजी भाई का तो फौजी भाई अब टीम के मेन रशर बन चुके हैं ठीक है अब लोगे 15-21 अबे नोबड़े मेरे को क्यों मारती आप रसेट एक बार में अरे पीछे रीच पे नीचे भी मार रहे जहाँ पे मैं जाने की सोच रहा था चलो ये दो ही बंदे ना क्लियर हो गया आराम से आराम से कवर में कि नहीं है मुझे बचा लो कवर में बॉल है नहीं है पास में आज पक 93 का हेड है 93 का हेड है इसको बस किधर है ये इसके छोटे कंटेनर के अंदर तीन बंदे नहीं है एक नंबर फौजी भाई और एक देखो फौजी भाई दिख गया ग्रेड के अंदर है डबल किल रुको आइए फौजी भाई वो पीछे वॉल के पीछे वॉल के वॉल के पीछे वॉल के पीछे अटका हुआ है देखो पीछे अटका हुआ है दे दो कहां ना ग्रेड भाई ये सेम ही है एक वहां पे पेड़ पे अटका हुआ है पीछे भाग रहा है अरे मेरी नहीं है अरे कहां भाग पाएगा मारो कहां मार पाएगा कहीं नहीं भाग पाएगा आइए वन आइए क्या अब दोनों एक दूसरे को लेकिन फौजी भाई मेन रशर तो मैं हूँ अप्रैल फूल नेक्स्ट ऑफ प्लेयर स्वास्तिक का जिन्होंने टीएम के अगेंस्ट 1v3 कर दिया है चुके थे बट अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे फौजी जी को स्पॉट कर लिया जाएगा रोक लिया जाएगा उनके लिए ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो किए जाएंगे एंड आई एम श्योर ये किल भी यहाँ पर कंफर्म कर ली जाएगी बट यस यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि क्या उनको यहाँ पर रिवाइव दे पाएंगे या फिर नहीं ओके ऊपर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉल टीम हम लोगों को दिखाई देगी थर्ड पार्टी करती हुई और जो थर्ड पार्टी यहाँ पे किया जा रहा है माफिया भी यहाँ पे डाउन कर दिए जाएंगे एंड बैक टू बैक टीम माफिया प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें डिलीट भी शिकार हो जाएंगे ओके 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 माफिया बाला एंड माफिया सिर्फ और सिर्फ दो ही माफिया बाला एंड फौजी जी माफ कीजिएगा दो प्लेयर होने वाले हैं फौजी जी फिलहाल यहाँ पर पीछे से कवर फायर देते हुए दिखाई देंगे माफिया बाला जबकि क्लोज रेंज में जा चुके हैं माफिया को यहाँ पर रिवाइव दिया जाएगा एंड क्या ये रिवाइव अवेलेबल होगा या फिर नहीं लेकिन क्लोज रेंज में फाइट लेने का डिसीजन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है उनके लिए लेकिन माफिया स्टिल इन द गेम एंड अगेन यहाँ पर बैक टू बैक डैमेजेस देने में सक्षम जरूर होंगे लेकिन वही दूसरी तरफ स्वास्तिक वंस अगेन उनको डाउन करेंगे किल कंफर्म करेंगे लेकिन दूसरे एंगल पे यहाँ पर माफी बाला ने एक और प्लेयर को डाउन जरूर करा है बट अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि ये दोनों प्लेयर्स में से कौन सी टीम यहाँ पर बच के निकल पाएगी क्योंकि वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर माफी बाला एंड माफिया दोनों ही इंतजार कर रहे हैं 1v2 सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती हुई स्वास्तिक इंतजार करते हुए मूव करते हुए यहाँ पर रोटेट करते हुए तो अब देखते हैं कि मूवमेंट ज्यादा अवेलेबल होती है या फिर यहाँ पर मैन एडवांटेज आपको क्या लगता है इनसेन भाई देखिए फिलहाल मुझे तो ये लगता है कि आपको थोड़ी लंबी सांस ले लेनी चाहिए क्योंकि काफी लंबा स्ट्रेच चल गया और माफियाज और केमिनी ने आपको मजबूर कर दिया बहुत लंबा सांस ना लेने के लिए खासकर रैप करने पे मजबूर कर दिया दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फाइट अगला टॉप प्लेयर जड्डी प्रियांश का जिन्होंने पूरी हैक्स को वाइप आउट कर दिया है आपको जोन के अंदर आप सर्च करवाने की जरूरत कोशिश करने वाले हैं ब्लैक बॉच की बात करेंगे प्रमुख टीम 0 degree फाइट के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए नजर आते हुए कहने के यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं एंड ये रिवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जी बिल्कुल ट्रोलिक्स ने उनको एलिमिनेट करा है स्पोर्ट जो कि अक्सर आपको हमें 10 सबके साइड पर नजर आती है तो कहने के फाइट के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए नजर आ रही है अपने 0 degree के साथ सो बेसिकली द फाइट इज बिटवीन द 0 degree एंड द टीम हेक्स स्पोर्ट्स एंड लेट्स सी राज की बात करें तो कहने के यहाँ पे अब काफी ज्यादा लो हो चुके हैं हील आउट करने की आवश्यकता पड़ेगी इनके पास स्काई टेम मौजूद है तो अच्छी खासी डैमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे राज तक आगे बढ़ेंगे स्काइलर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे प्लेयर के द्वारा साहिल ने एक और प्लेयर को स्पॉट आउट कराया एंड कहने के यहाँ पे चार्ज बस के शॉट्स हमें प्रोवाइड करने की ट्राई किया लेकिन यहाँ पे
सामने वाले प्लेयर्स यहाँ पे आई मीन राज थग स्काई तक शॉट्स प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन नॉकआउट हो सकते हैं जस्ट फॉर 20 भी बचे हुए एक ही शॉट क्या बचे हुए लेकिन कहना के वो जो M79 का वो जो शॉट आया यहाँ पे प्रियांस के द्वारा वो कहना के पासा पलट के रख दिया हेक्स स्पोर्ट्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो सकती है आई थिंक यहाँ पे एलिमिनेट हुई है आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट कहना के अगर बचे होंगे तो कहना के यहाँ पे अभी भी दो खिलाड़ी बचे हुए हैं ओके आई एम सॉरी बट अभी भी यहाँ पे दो खिलाड़ी बचे हुए हैं जहाँ पे ट्रॉलेक्स फॉल डैमेज खा के कहना के यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं इसी के साथ ही साथ कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने आप को हील करके अपने आप को लाइक फाइट के अंदर एंगेज तो कराएंगे लेकिन अभी के लिए इकलौते पड़ चुके हैं यहाँ पे हेक्स स्पोर्ट्स के यहाँ पे इकलौते पड़ चुके हैं खिलाड़ी लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं रिवाइव करने के लिए लेकिन ट्रॉलिक्स यहाँ पे शॉट्स प्रोवाइड करके यहाँ पे सामने वाले प्लेयर्स को धराशाई कर पाएंगे लगातार उनके ऊपर शॉट्स प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन कह रहे हैं कि ब्रियांस के बुक आपको नजर आएंगे लेकिन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अप प्लेयर वासियो ईस्पोर्ट्स के लेजेंड का जिन्होंने 1v3 किया है यहाँ पर लेकर आने हैं सो बी जी हाँ गाइस जिन लोगों ने भी अभी तक शेयर नहीं करा शेयर कर देना एंड यस इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए हमारी जो टीम है क्या कहते हैं जो हमारी टीम्स हैं वो यहाँ पर फिलहाल जरूर दिखाई दे रही है जिसमें अगर आप देखेंगे हमारे जो वासियों के मेंबर है फिलहाल जरूर प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इवन दो यहाँ पर रिटर्न फायर जरूर दिया गया है दो प्लेयर्स बैक टू बैक यहाँ पर उनके डाउन हुए हैं जिसमें अगर आप देखेंगे क्रिश ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं लेकिन वही लेजेंड इकलौते प्लेयर हेडशॉट यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा क्या मैंने ईस्पोर्ट्स सामने की तरफ होने वाली है क्या अपने टीममेट्स को यहाँ पर रिवाइव दे पाएंगे या फिर नहीं ये देखने वाली बात रहेगी लेकिन लेजेंड इकलौते प्लेयर काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्क उनके ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देगा यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रेशर बहुत ज्यादा है जी हाँ यहाँ पर ये प्लेयर 1v3 करेगा एंड अगला टॉप प्लेयर ईडब्ल्यू सीनियर का जिन्होंने नेट से ही पूरे मैप में आग लगा दी है और हमारा लास्ट पार्ट है क्रेडिट्स का तो आज की वीडियो बनाने में हेल्प किए मेरे कुछ भाइयों ने जिनका नाम है ई स्पोर्ट्स मीम्स गेमर बोट प्रिंस और एमजे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज की वीडियो के लिए इतना ही चलो हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय।